मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर वन दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दुल्हा हाउस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चिड़ावा और चिड़ावा के आसपास के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वाकई में इस समय, इन दिनों काफ़ी कार्रवाई करते नज़र आ रहा है। भले ही पुलिस प्रशासन हो, आबकारी विभाग हो, या फिर आज अपन देखते हैं पावर हाउस की भी अच्छी कार्रवाई इन दिनों हो रही है। तो वहीं पर आज पहुँचे हैं पूरी जानकारी लेने के लिए, कहाँ पर क्या कार्रवाई की गई है। अवैध ट्रांसफार्मर जो है वो बरामद किए गए हैं, वो आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है। कौन से गाँव और किस लिए कब की गई है पूरी कार्रवाई, पूरी जानकारी जो अपने अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूरे मामले की जानकारी लेंगे। सर, क्या कार्रवाई की गई है और आज ये आज पिलानी क्षेत्र में करीबन हमने 15 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई पिछले 1.5 साल से लगातार जारी है, फिर भी जो ये ट्रांसफार्मर हैं जो हरियाणा से निर्मित बन के आ रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। इसलिए श्रीमान प्रबंध निदेशक अजमेर के भाटी साहब के दिए गए अनुसार अजमेर से 4 स्पेशल टीम भेजी गई है, जिसमें एडिशनल SP श्री सीताराम जी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई 4-5 दिन लगातार जारी रहेगी, जब तक ये जितने भी ट्रांसफार्मर हैं सारे जब्त नहीं होते, लगातार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो लोग उपभोक्ता पैसे जमा कराता है उसका तो बिल जमा कराता है, और ये लोग बिना पैसे ही सीधे हरियाणा से ला के 11,000 से लूपिंग करके ट्रांसफार्मर चलाते हैं। बहुत ही अवैध गलत कार्रवाई है, इसमें जान माल का भी खतरा हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, और ये जो कार्रवाई, गलत कार्रवाई को हम जल्दी रोक सकेंगे। सर, देखा जाए तो काफ़ी ट्रांसफार्मर है और ये सभी हरियाणा निर्मित है। हाँ, तो हरियाणा से यहाँ पर लाए जाते हैं और फिर यहाँ पर इनको असेंबल किया जाता है, लगाया जाता है। ये हरियाणा में कुछ ट्रांसफार्मर फैक्ट्रियां हैं जो अवैध ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, जिसको हमने चिन्हित कर लिया है, उनको भी हम पकड़ेंगे। हरियाणा के ऊपर भी कार्रवाई होगी, फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई करने की पूरी नीति बना ली है, और जल्दी ही हम इसको, जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री वाला बना रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जब जाके अवैध ट्रांसफार्मर आना रुकेगा। तो आज ये पिलानी के पास की गई कार्रवाई, आज ये पिलानी में बेरी, बनकोटड़ी, सूजडोला, सरदारपुरा, लीखवा, छापड़ा, इन्हीं गांवों में ज़्यादातर अवैध ट्रांसफार्मर हैं, और 5 दिन पहले भी कार्रवाई की थी, आज दोबारा इसी एरिया में की है। कल और परसों लगातार ये अभियान जारी रहेगा, जब तक ये ट्रांसफार्मर सारे नहीं जब्त किया जाएगा, जब तक कार्रवाई जारी रहेगी। कोई समस्या नहीं आती क्या कि आप सुबह सुबह पहुँच जाते हैं तो ग्रामीण या फिर जिसके घर ये लगा है, जिसके खेत में लगा है, वो कुछ बदमाशी नहीं करते? बदमाशी कई बार हो भी जाती है। आज भी सुजोला गांव में सरपंच ने हमें रोका, और सरपंच प्रतिनिधि थे, सरपंच प्रतिनिधि ने आज रोका, और उसके खिलाफ FIR लॉज करा दी गई है, और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई भी की जाएगी। बाधा का मुकदमा दर्ज करा है, जो भी हमारे साथ हुआ है सूरजगढ़ थाना में, इसकी FIR लॉज करा दी गई है और जल्दी इसकी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, तो दोस्तों ये है पूरा मामला, और जो भी ये अवैध ट्रांसफार्मर अपने खेत घर में लगा रखे हैं तो वो सतर्क रहें और ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि काफ़ी उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो बिल देते हैं, अपने खेतों में लगवा भी रखे होंगे किन्होंने, लेकिन वो बिल पे करते हैं। तो आप लोग ये अवैध वाला सिस्टम ना करें, और इसके लिए प्रशासन भी कार्यरत है, तो कार्रवाई तो होगी ही होगी। और जो बदमाशी करते हैं, जो इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो भी गलत है। तो देखते रहिए चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहिए चिड़ावा शिवनगरी के साथ।